हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड की फेवरेट डिश खिचौनी। तो क्योंकि मेरे खेत में ये चिचिंडा भी लगे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें भी हम अपने डिश में ऐड कर ले। तो खिचौनी बनाने के लिए हम लेंगे 4 आलू, 1 चिचिंडा और साथ में घरिया मूली से खिचौड़ी का टेस्ट और भी डबल हो जाता है। तो हम इन सब सब्जियों को अच्छे से धोकर छील कर अब इन्हें साफ़ कर लेंगे। साथ ही मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियों को छील लिया है और तवे पर मैंने धीमी आँच पर खड़े मसाले भुने हैं, जो कि है धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च और दालचीनी। अब इन सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद साथ में हम लहसुन ऐड करके इन्हें बारीक दरदरा सिलबट्टे में पीस लेंगे। उसके बाद हम इसमें मूली, आलू और चचिंडे को अच्छे से खींच लेंगे। इन्हें खींचना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम खिचौनी पड़ा है। अब ये सारे खींचने के बाद हम एक बारीक प्याज काटेंगे और कढ़ाई में हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। साथ में हम जख्या डालेंगे। जख्या डालने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। जब तक हमारे प्याज मध्यम ब्राउन होते हैं तब तक हम टमाटर काट लेंगे और साथ में लाल हरी मिर्च काट लेंगे। अब जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन होने लग जाते हैं हम इसमें वो टमाटर का कट करके ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। साथ में जैसे ही टमाटर पकता है हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था हम उस पेस्ट को ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे थोड़ा और पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमें दिखता है कि इसका पानी थोड़ा सूख चुका है हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च। ये सारा ऐड करके और फिर थोड़ी देर 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें अपना खींचने वाला जो है, हमने जो मूली खींची है, आलू खींची है, हम इसमें वो ऐड कर लेंगे। अब इसे हमें 5 मिनट तक इसी तरह पकाना है। जैसे ही थोड़ा हल्का पक जाए अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही ये सब अच्छे से पक जाए इसके बाद हम इसमें मलाई ऐड करेंगे और साथ में दूध ऐड करेंगे। मलाई और दूध ऐड करने के बाद इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो अब इसको फिर से 10 से 15 मिनट ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और हमारी खिचौनी तैयार है। जब तक हम इस डिश को सर्व करते हैं और खाते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय।